ये असुर वेब सीरीज में वो असुर यही उंगली क्यों काटता था? और दोस्तों सब कुछ ठीक तो है ना। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि असुर वेब सीरीज बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है और मैं इस पे बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ ताकि ज्यादा व्यूज आए और लाइक्स आए। तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाते, देखते लाइक्स और व्यू पड़ते हैं कि नहीं। तो देखो, अगर तुम लोगों ने असुर वेब सीरीज देखी है, पूरी देखी है, तो आप लोगों को पूरी नहीं तो आधी भी देखी तब भी आप लोगों को पता होगा कि उसमें जो विलन होता है यानी शुभ जोशी, वो हमेशा जिसको भी मारता है उसकी इंडेक्स फिंगर यानी कि ये वाली सेकंड फिंगर काट देता है बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट से। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि वो सिर्फ यही फिंगर क्यों काटता है, इंडेक्स फिंगर, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, यही फिंगर क्यों काटता है, बाकी कोई फिंगर क्यों नहीं काटता है। अब इसका जवाब तुम लोग को सीजन 2 में मिल ही जाएगा, लेकिन सोचा सीजन 2 से पहले मैं कुछ बता दूं ताकि शायद कोई हिंट मिल जाए। मतलब पता नहीं क्या क्रेज था उनको ये उंगली को काटने का, मतलब कुछ भी हो जाए, पकड़ा जाए, मर जाए और वो अपने जेल में चला जाए, लेकिन ये उंगली तो उन भाई साहब को काटनी थी। तो सीधे सीधे चलते हैं इसके रीजन पर कि वो क्यों सिर्फ इंडेक्स फिंगर ही काटता था। तो इसके जवाब के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा पौराणिक कथाओं में, ऐसी बुक्स में और हिंदू माइथोलॉजी में, ताकि हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो रेडी हो और तैयार रहना, क्योंकि बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा इस चीज को। तो अगर कॉमन लाइफ में बात करें तो हमारे हैंड में 5 उंगलियां होती है। ये होती है लिटिल फिंगर, ये होती है रिंग फिंगर, ये होती है मिडिल फिंगर, ये होती है इंडेक्स फिंगर और ये होता है थंब। तो अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी में साफ साफ बताया गया है कि ये जो 5 फिंगर्स होती है, ये 5 फिंगर्स डिपिक्ट करती है बहुत ही बेसिक थिंग्स हमारी जिंदगी की, ना कि सिर्फ जिंदगी की बल्कि पूरे यूनिवर्स की। तो थंब को एसोसिएट किया जाता है अग्नि से यानी कि आग से, इंडेक्स फिंगर को एसोसिएट किया जाता है वायु से यानी कि हवा से, अब हवा तो नहीं दिखा सकता, मिडिल फिंगर को आकाश से यानी कि स्काई आसमान, फिर रिंग फिंगर को किया जाता है पृथ्वी यानी कि अर्थ यानी कि हमारी धरती से, और ये जो हमारी लास्ट फिंगर होती है यानी कि लिटिल फिंगर जिसको आप लोग पिंकी भी कहते हैं, तो पिंकी यानी कि लिटिल फिंगर को एसोसिएट किया जाता है वरुण से यानी कि जल पानी। तो अगर थोड़ी और डीप की बात करें हम लोग और डीपली जाए हिंदू माइथोलॉजी में, तो हम लोग को पता चलता है कि हमारी जो 5 फिंगर्स होती है एक हाथ में, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि सबसे पवित्र फिंगर जो होती है वो ये होती है यानी कि रिंग फिंगर जिसे आप लोग कहते हैं, जो कि एसोसिएटेड होता है पृथ्वी यानी कि हमारी धरती से। इसलिए जब भी आप किसी को रिंग पहनाते हैं वेडिंग में इसी फिंगर का यूज करते हैं, या फिर किसी को तिलक लगाते हैं जब भी कोई वो शुभ काम करने जाता हो तब भी हम लोग इसी फिंगर का यूज करते हैं, कभी सोचा तो होगा नहीं ऐसा। सेकेंड सबसे पवित्र फिंगर जो है हमारे हैंड में वो है ये यानी कि इंडेक्स फिंगर, जिसको भाई शुभ जोशी हमेशा काटते जाते हैं। तो ये जो है यानी कि इंडेक्स फिंगर ये एसोसिएट होता है मोक्ष से यानी कि इमोर्टैलिटी से। तो मोक्ष यानी कि सेल्वेशन, जहाँ वो कंडीशन जहाँ पर एक इंसान सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ त्याग देता है, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये स्टेज मरने के बाद ही आता है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि किसी के मरने के बाद सब लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति करनी है, इसको मोक्ष पाना है। अब जो अपना विलन था यानी कि शुभ जोशी, तो शुभ जोशी हमेशा ऐसे फिंगर को काटता था यानी कि इंडेक्स फिंगर को, क्योंकि उसे ये बिलीव था। अब आपको तो पता ही है कि शुभ जोशी थोड़ा पागल था, वो अपने आप को असुर समझता था और वो विष्णु जी के 10वें अवतार यानी कि कल्कि को बुलाना चाहता था धरती पर। तो क्योंकि उसे लगता था कि वो एक असुर है, तो वो हमेशा इंडेक्स फिंगर ही काटता था सबकी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को मोक्ष मिले, क्योंकि वो तो असुर था और वो तो किसी का भी भला नहीं चाहेगा, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई भी मोक्ष प्राप्त करे, इसीलिए वो हमेशा इंडेक्स फिंगर यानी कि इस फिंगर को काट देता था ताकि किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति ना हो, सेल्वेशन की प्राप्ति ना हो और वो मरने के बाद भी भटकता रहे। कुछ ज्यादा डीप चले गए क्या भूतों की बातों में, इतना डीप नहीं जाना चाहिए। जिंदगी की बात करें तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि कोई भी पंडित हमेशा इस फिंगर का यूज करता है तिलक लगाने के लिए, लेकिन जब कोई मर जाता है तब वो इस फिंगर का यूज करता है तिलक लगाने के लिए, क्योंकि ये फिंगर मोक्ष से रिलेटेड है यानी कि ये मोक्ष प्रोवाइड कर सकती है किसी को। तो वैसा तो हमारे शुभ भाई साहब चाहेंगे नहीं, इसीलिए वो हमेशा इंडेक्स फिंगर ही काटते थे। ये शुभ जोशी का बिलीव था कि इंडेक्स फिंगर काटने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी किसी को भी और सब भटकते रहेंगे। पुरानी कथाओं को छोड़ भी दे, तब भी अगर हम लोग सर्च करेंगे इंटरनेट पे कि सबसे इम्पोर्टेंट फिंगर कौन सी होती है, तो थंब यानी कि अंगूठे के पास सबसे इम्पोर्टेंट फिंगर इंडेक्स फिंगर ही होती है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेचेबल होती है,
ये बहुत ही अच्छे से अटैच्ड होती है सारे मसल्स से और ये बहुत ही चीजें करने में मदद करती है। समझे कि वो भाई साहब यानी कि शुभ जोशी हमेशा इंडेक्स फिंगर ही क्यों काटते थे असुर वेब सीरीज में, और शायद ऐसा ही रीजन, ऐसा कुछ रिलेटेड रीजन हम लोग को मिले सीजन 2 में भी। ये तो मैंने सिर्फ एक थियरी बताई थी, तो पूरा विश्वास करना मत। और यहीं पे हमारा वीडियो होता है खत्म। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और किसी और कैरेक्टर के सैलरी के बारे में जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब है तो बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और हमें इंस्टाग्राम ट्विटर और टिकटॉक पर फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि हम हर जगह है। अबे फिर बैकग्राउंड चेंज।